दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में जानते हैं? दुनिया के कई सबसे छोटे देशों में ऐसे देश शामिल हैं जो वाकई बहुत छोटे हैं। इनमें से कुछ का क्षेत्रफल महज कुछ किलोमीटर है, तो कई हमारे मोहल्ले जितने छोटे हैं। और एक देश तो ऐसा भी है जो समुद्र पर बने दो खंभों पर टिका हुआ है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में मौजूद एक देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश में कई ऐसी शानदार इमारतें हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन का क्षेत्रफल आधे वर्ग किलोमीटर से भी कम है। 2015 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 थी। मोनाको शहर। मोनाको शहर भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस और इटली के बीच मौजूद मोनाको दुनिया का सबसे छोटा देश है। मोंटे कार्लो इसका मुख्य नगर है और इसकी राजभाषा फ्रांसीसी भाषा है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति लोग मौजूद हैं। मोनाको शहर समुद्र के किनारे बसा है और इसका क्षेत्रफल महज 2.02 वर्ग किलोमीटर है। यह पर्यटन की दृष्टिकोण से भी बेहद खूबसूरत जगह है। मोनाको शहर की कुल जनसंख्या 37,800 के करीब है। नौरू। नौरू आधिकारिक तौर पर नौरू रिपब्लिक मैक्रोनेशियाई प्रशांत महासागर में मौजूद एक द्वीप है। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नौरू का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर है। इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। नौरू की जनसंख्या लगभग 10,000 है। तुवालू। तुवालू ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पॉलिनेशियाई द्वीपीय देश है। यह देश चार द्वीपों से मिलकर बना है। 26 वर्ग किलोमीटर में फैला तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। तुवालू को 1978 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। तुवालू की जनसंख्या भी लगभग 10,000 के करीब है। सैन मैरिनो। दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में पांचवां स्थान सैन मैरिनो का आता है। सैन मैरिनो यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। इस देश की खोज सन 301 में की गई थी। सैन मैरिनो केवल 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सैन मैरिनो शहर की कुल जनसंख्या 31,000 के करीब है। लिक्टनस्टाइन। लिक्टनस्टाइन पश्चिमी यूरोप में मौजूद एक छोटी स्थल सीमा वाला देश है। इसकी सीमा पश्चिम और दक्षिण में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से मिलती है। महज 160 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी करीब 37,800 है। लिक्टनस्टाइन शहर की राजधानी वाडुज है और इसका सबसे बड़ा शहर शान है। मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह प्रशांत महासागर के मध्य एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र है। मार्शल द्वीप अमेरिका से अलग होकर 1986 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी अमेरिका के पास है। मार्शल द्वीप समूह 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी कुल जनसंख्या 54,600 के करीब है। सेंट किट्स और नेविस संघ। सेंट किट्स और नेविस वेस्ट इंडीज में लिवार्ड द्वीप पर स्थित एक देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से यह दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। सेंट किट्स और नेविस का क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित इस देश की आय का प्रमुख जरिया पर्यटन और खेती है। सेंट किट्स और नेविस की कुल जनसंख्या 56,000 के करीब है। मालदीव। मालदीव आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक देश है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा और दुनिया का नौवां सबसे छोटा देश है। मालदीव का कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी मालदीव लोगों की पसंदीदा जगह है। मालदीव की कुल जनसंख्या 3.5 लाख के करीब है।
सीलैंड। क्या ऐसा भी कोई देश हो सकता है जिसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 27 हो? इंग्लैंड के पास एक ऐसा ही देश मौजूद है जिसका नाम सीलैंड है। इंग्लैंड के समुद्री तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सीलैंड खंडहर हो चुके समुद्री किलों पर टिका हुआ है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए बनाया था। माइक्रोनेशन कहे जाने वाले सीलैंड पर अलग अलग देशों का कब्जा रहा है, हालांकि इसे एक देश के तौर पर कभी भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। सीलैंड का कुल क्षेत्रफल 250 मीटर है। खंडहर हो चुके इस किले को सीलैंड के साथ साथ रफ फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।